नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल AVPS क्लासेस पे। दोस्तों, स्कूल कॉलेज की परीक्षाओं और प्रमोशन को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। दोस्तों, आप लोग किसी भी यूनिवर्सिटी, भारत की किसी भी यूनिवर्सिटी से आप लोग अध्ययन कर रहे हैं, BA, BSc, BCom किसी भी स्ट्रीम से आप लोग अध्ययन कर रहे हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यह वीडियो प्लीज़ लास्ट तक जरूर देखिएगा, छोटी सी वीडियो है, बहुत ही इन्फॉर्मेशन आपको देने वाली है और बहुत ही राहत देगी। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और जो मेरे चैनल पे नए जुड़े हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। बेल आइकन को प्रेस करने पे आपको जो भी यूनिवर्सिटी की पल पल की अपडेट आएगी तो आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहे। प्लीज़ आप लोग बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आए वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, अपने मित्रों के साथ वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। चलिए खबर जान लेते हैं बिना टाइम। दोस्तों, आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर आपको बार काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से इम्पोर्टेंट नोटिस है जो कि भारत के सभी विश्वविद्यालय के कुलपति, रजिस्ट्रार, देश के सभी विश्वविद्यालय के प्रिंसिपल या विभागाध्यक्ष को परीक्षाओं के लिए विस्तृत जो दिशा निर्देश है, यानी कि परीक्षाओं के दिशा निर्देश को पालन को लेकर इन्होंने नोटिस जारी की है। और आपको बता दें कि प्रमोशन को लेकर और आप लोग को लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्होंने शेयर किया है। तो मैं आप लोग वीडियो को लास्ट तक बने रहिए, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप क्या क्या बातें कही गई है मैं आपको बताने दूंगा, तो वीडियो को आप लोग आखिर तक जरूर देखिएगा। पहली बात आती है, पहले स्टेप इन्होंने कहा है कि 3 वर्ष और 5 वर्ष के पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष के छात्रों को, ठीक ना, 3 वर्ष और 5 वर्ष के पाठ्यक्रम के अंतिम वर्ष के छात्रों को ऑनलाइन परीक्षाओं में उपस्थित होने की अनुमति दी जा सकती है। हालांकि विश्वविद्यालयों को उन छात्रों के लिए परीक्षा आयोजित करने के लिए एक वैकल्पिक रणनीति अपनानी चाहिए जो किन्हीं कारणों से ऑनलाइन परीक्षा का लाभ उठाने में असमर्थ है। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा पहले नोटिस में यही कहा गया है, दूसरी लाइन में कहा गया है कि इंटरमीडिएट सेमेस्टर के छात्रों को पिछले वर्षों के प्रदर्शन और वर्तमान वर्षों की आंतरिक परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर उन्नत किया जाएगा, यानी कि प्रमोशन किया जाए। दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि दूसरी लाइनों में आपके यहाँ पर साफ साफ अक्षरों में मांग की गई है प्रमोशन किया जाए किन स्टूडेंट्स को, इंटरमीडिएट सेमेस्टर के छात्रों को, ठीक ना, वो भी पिछले वर्षों के प्रदर्शन और वर्तमान वर्ष की आंतरिक परीक्षा के प्राप्त के अंकों के आधार पर आप लोगों को प्रमोशन मिले। दोस्तों, इस पॉइंट के आगे मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर बात कही गई है विश्वविद्यालयों को कॉलेजों को फिर से खोलने की 1 महीने के भीतर अंतिम सेमेस्टर की, मतलब कि अंतिम वर्ष की सेमेस्टर परीक्षा आयोजित करने के लिए दिशा निर्देशित किया जाए। दोस्तों, ये खबर जो है, ये जो नोटिस जारी की गई है बार ऑफ काउंसिल इंडिया, मतलब कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से पूरे भारत की जितने भी यूनिवर्सिटी हैं, ऑल यूनिवर्सिटी, मतलब कि आज इंडिया के अंदर जितने यूनिवर्सिटी हैं सभी के लिए जारी की गई है। तीसरे लाइन में क्या कहा गया है आप लोग देख लीजिए, विश्वविद्यालय को COVID-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए या जो प्रोटोकॉल है उसको, मतलब कि गाइडलाइंस पालन करते हुए यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सामाजिक गड़बड़ी के मानदंडों का परिसर में पालन किया जाता है और सभी क्लासरूम और परीक्षा हाल को समय समय पर साफ यानी सैनिटाइज किया जाए और छात्रों की सुरक्षा और स्वास्थ्य से किसी भी कीमत पर समझौता नहीं किया जाना चाहिए। यानी इन्होंने साफ साफ कह रहे हैं कि छात्रों को बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कीजिए, जो सैनिटाइज कराइए, उसके बाद बिल्कुल स्वास्थ्य से समझौता नहीं किया जाना चाहिए, मतलब कि उनकी पूरी स्वास्थ्य की केयर आप लोग कीजिए अगर आप लोग एग्ज़ाम कराओगे तो। वहीं बता दें कि विश्वविद्यालयों को परीक्षा के संचालन में उच्चतम शैक्षणिक मानकों और अखंडता को बनाए रखने के लिए यह निर्देश दिया जाता है। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से पूरे भारत के अंदर जितने भी यूनिवर्सिटी हैं उनको साफ साफ एक नोटिस जारी की गई है, उनको मांग की गई है कि पहले आप लोग बिना परीक्षा के पास कर दिए और दूसरी बात, आप लोग परीक्षा जब करा रहे हो तो आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करिए और प्राथमिकता पहली यही है कि छात्रों की जितनी भी सुरक्षा की जाए उतनी भी कम है, मतलब कि छात्रों की सुरक्षा अगर आप लोग एग्ज़ाम करा रहे हैं तो छात्रों की सुरक्षा बहुत ही जाननी होनी चाहिए। तो ये आप लोगों ने देखा बार काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से बात कही गई थी। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, अगर इन्फॉर्मेशन पसंद आई वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि यूनिवर्सिटी से जुड़ी कोई भी छोटी बड़ी अपडेट आए सबसे पहले आपके चैनल से मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत